हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आज हम, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा, पीईटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये लास्ट ईयर जो 2021 में फर्स्ट पाली में जो आया था पेपर, वो है ये पेपर। 100 क्वेश्चंस का ये पेपर है। तो जो पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। पढ़ा सब लोगों ने, बहुत ज़्यादा थ्योरी है। अब आइए प्रैक्टिस करके देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और हाँ, चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए भाई, सब्सक्राइब भी करते जाइए। इतना ही तो है डिमांड, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते रहें, ठीक है। तो चलिए, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं। देखते हैं एक ही बार में लेक्चर में आते हैं, दो बार में आई विल ट्राई कि एक ही बार में हो, देखते हैं फिर कितने में होती है। ओके, चलिए। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है बताना है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो सही क्रम में लगाना है, कौन सबसे पहले आया उस काला क्रम के अकॉर्डिंग, सबको सही क्रम में लगाना है कालानुक्रम के अकॉर्डिंग। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश, कालानुक्रम के अनुसार सबको सही सही लगाना है। तो सबसे पहले हमारे इल्तुतमिश साहब आए थे, जिनका कि शासन रहा था 1211 से 1236 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, जिनका रहा 1296 से, अरे मतलब 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे, ठीक है, 1211 से 1236 तक रहा जिनका, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अब बात आती शेरशाह सूरी की, जिनका था 1540 से 1545, और अब आखिरी में बचते हैं 1556 से 1605 तक अकबर का पीरियड था। तो ये हमारा ऑप्शन बचता है आई वी और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, नामदेव, चैतन्य और शंकराचार्य। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर है तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि थे। तुकाराम कौन थे, महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। उन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव किसने डाली, तो डाली है संत तुकाराम ने, ठीक है। इन्होंने स्थानीय भाषा में भगवान विट्ठल को समर्पित कई भक्ति गीतों की रचना की। अब पूछा जा सकता है भक्ति आंदोलन की नींव किसने डाली, संत तुकाराम ने। और संत तुकाराम किसको मानते थे, भगवान विट्ठल को मानते थे। किसको मानते थे, भगवान विट्ठल को। किसको मानते थे, भगवान विट्ठल को मानते थे, ठीक है। और संत तुकाराम द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार किया गया। किस धर्म का, महाराष्ट्र धर्म का प्रचार किया गया। और इन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि पर भी प्रहार किया था, कि इन्होंने संत तुकाराम ने। संत तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र के क्या थे, एक संत थे, महान संत थे, और महाराष्ट्र के एक महान संत थे। और महाराष्ट्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन की नींव डाली, भगवान विट्ठल की को समर्पित किया, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं पर भी इन्होंने अपने विचार दिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड क्लाइव लिटन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। तो थर्ड का ऑप्शन सही होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785। अब बताइए 1773 में क्या हुआ था, ठीक है, 1773 में क्या हुआ था बताइएगा। तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन के दौरान क्या हुआ था, 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आई थी,
रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ओ क्या लिख गए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, और सेकेंड 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था, क्या आया था, पीट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट भी आया था, ठीक है। तो 1773 से 1785 बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहे वो कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता किससे संबंधित है, राजनीति, वास्तुकला, चिकित्सा या गणित। तो फोर्थ ऑप्शन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चिकित्सा से संबंधित है। इसके प्रणेता कौन थे, इसके प्रणेता थे चरक, ठीक है। चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी से भी पूर्व हुई थी और ये 8 भागों में विभक्त है। चरक संहिता कितने भागों में विभक्त है, 8 भागों में ये डिवाइड किया गया, 8 भाग में ये डिवाइड किया गया है, जिन्हें स्थान नाम दिया गया। ये जो चरक संहिता 8 भाग में डिवाइड किया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, स्थान नाम दिया गया है। मानव शरीर से संबंधित सिद्धांत हेतु विज्ञान है, और रोगों के लक्षण जब चिकित्सा से रिलेटेड है तो ये मानव शरीर से संबंधित सिद्धांत हेतु विज्ञान है। अनेक रोगों के लक्षण या उपचार इसमें वर्णित हैं, तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, BBC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, ये तो ठीक है, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। 261 में क्या हुआ था, 261 में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एडी आफ्टर डिनोमिनी मतलब 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, और 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। बट जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इनमें से किसे ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो सबको पता है दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिक्स का ए ऑप्शन करेक्ट होता है, दादा भाई नरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, ठीक है। अब आता है इनके बारे में भी जान लेते हैं, 1892 से 1894 तक ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, कौन, दादा भाई नरोजी 1892 से 1894 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। नरोजी ने 1851 में गुजराती भाषा में राक्त गौतार नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन किया था, किस भाषा में, राक्त गोतार, गोतार जो नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन किया था। और 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नरोजी ने की थी। राक्त गोतार नामक गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। और इनके माध्यम से इन्होंने भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल करने और भारतीयों की शासन भागीदारी बढ़ाने, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को पुनः नवीकृत करने संबंधी ज्ञापन ब्रिटिश संसद में पेश किए थे, ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नरोजी। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी, एनी बेसेंट, लोकमान तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक विपिन चंद पाल, तिलक और अरविंद घोष। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी, तो इसका आंसर होता है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 1915-16 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। पहला अप्रैल 1916 में तिलक ने कहाँ पर शुरू किया था, पूना में शुरू किया, तथा दूसरा सितंबर, पहला अप्रैल नाइन अप्रैल 1916 में पूना में लोकमान्य तिलक द्वारा, तथा दूसरा जो है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू किया था, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी।
और लोकमान तिलक ने पुणे में अप्रैल में 1916 में की थी। ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भी संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के अधीन तो थे ही, संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के अध्यक्ष जोसेफ वेबस्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। कौन थे? जो तिलक द्वारा स्थापित किया गया था पुणे में होम रूल लीग, उसके क्या थे? उसके अध्यक्ष जोसेफ किसके अध्यक्ष? जो अप्रैल 1916 में पुणे में तिलक के द्वारा जो होम रूल स्थापित किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ वेबस्टिस्टा तथा सचिव थे एनसी केलकर। ये सचिव थे और ये थे एनसी केलकर। क्या थे? एनसी केलकर थे सचिव और ये अध्यक्ष थे जोसेफ वेबस्टिस्टा। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न का मिलान करें। आठवां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो रामकृष्ण मिशन किससे मिलाएंगे? रामकृष्ण मिशन मिलाएंगे स्वामी विवेकानंद से, आर्य समाज दयानंद सरस्वती से, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से, सत्यशोधक समाज ज्योतिरा राव फुले से। आई थिंक इसका ऑप्शन करेक्ट मिला है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज राव फुले। तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है, 3125, राइट। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 9 क्वेश्चन में, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए, सब ने पढ़ रखा है, कितनी थ्योरी पढ़ रखी है, प्रैक्टिस कीजिए, पता चलेगा कहाँ पर हैं आप। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। और ये आंदोलन कब आया था? ये आंदोलन डेट्स बहुत याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन आया था ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में, बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में। कहाँ से? बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस बैठक में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन में आम जनता, छात्र, महिलाओं आदि को जबरदस्ती भागीदारी रही और ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर जो चला था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो भी बड़े बड़े नेता पार्टिसिपेट कर रहे थे वो ब्रिटिश सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया था। राइट, समझ में आ गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस का प्रस्ताव किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। गांधी जी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ हो रहा था? 1938 का जो हरिपुरा में अधिवेशन था, हरिपुरा में, वो उसके हेड थे सुभाष चंद्र बोस। तथा 1939 के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1993 में ही कांग्रेस से राजनीतिक विचारों की भिन्नता के चलते इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था 1993 में। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। इसका निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1978 में हुए समझौते के बाद किया गया और जम्मू कश्मीर के परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा का 12.5% प्राप्त होता है। शेष ऊर्जा को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश,
राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्यों में वितरित भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो सलाल पन बिजली परियोजना चिनाव नदी में बनी हुई है। ठीक है, कोई भी जो बिजली परियोजना होती है वो किसी ना किसी नदी पर बनी होती है, क्योंकि उस नदी के पानी के फोर्स से ही टरबाइन टर्न करती है और इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी नदी अगर बनी हुई है तो याद रखिए वहां पर कहीं पे भी किसी जगह पर एक बिजली परियोजना जरूर बनी होगी। ठीक है, बसंत विसव होता है, बसंत विसव क्या होता है ये बताना है। कब होता है, 21 मार्च को, 23 सितंबर, 18 जून या 22 दिसंबर? बसंत विसव होता है 21 मार्च को। ये होता क्या है ये समझते हैं। बसंत विसव ऋतुएं जो परिवर्तन के क्रम में चार स्थितियां बनती हैं। ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, यानी कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। शरद विषुव जिसे कहते हैं, शरद ऋतु, तो इसे विषुव कहते हैं। मतलब जो ऋतुओं में परिवर्तन के क्रम होते हैं वो चार स्थितियों में होते हैं, शीत, ग्रीष्म, वसंत और शरद। और इन्हें पर इस परिवर्तन को विषुव कहते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? विषुव। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल लंबवत होती हैं। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत होती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। इसलिए स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है। इसलिए स्थिति को क्या कहते हैं? बसंत विषुव। यानी जब दिन और रात समान हो जाते हैं, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, दिन और रात समान हो जाते हैं, तो उसे बसंत विषुव कहते हैं। नेक्स्ट है 13। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? इस्पात, अल्मोनियम, जस्ता और तांबा। तो तांबे उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबे उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झुंझुनू जिले में है। भारत में तांबा प्राचीन रवेदार कुड़प्पा व अरावली संरचना में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है? कुड़प्पा और अरावली संरचना में पाया जाता है, और ये चट्टानों की सिराओं में भी संचित रहता है। तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योगों तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। तांबे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बर्तन बनाने के लिए। और किसके लिए किया जाता है? विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी हो तो हम लोग यूज करते हैं ना तांबे को, कॉपर को यूज करते हैं ना, तो वह उसी में यूज किया जाता है। और राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत आसान है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में, असम में स्थित है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, और 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 15 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं बताना है आपको, बताइए कौन सी नदी हिमालय नदी तंत्र की नदी है। गंगा तो है हिमालय नदी तंत्र की, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी। तो 15 का ऑप्शन सही होता है बी, फर्स्ट और थर्ड, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय नदी तंत्र की नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय नदी तंत्र की नदी है। गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री, उत्तराखंड से निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की, मतलब अलकनंदा और भागीरथी की धाराएं देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में। और एक फिर धारा जो आगे बह जाती है उसे कहते हैं गंगा नदी। और सबसे पहले जो मैदानी भाग में आती है वो कौन सा जिला है? हरिद्वार। वो कौन सा जिला है? हरिद्वार। और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से एंट्री लेती हैं, किस जिले से? बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में एंट्री लेती हैं, और बलिया से बाहर हो जाती हैं, बलिया से, यूपी के बलिया से बाहर हो जाती हैं गंगा नदी, और बलिया के बाद ये बिहार में एंट्री कर जाती हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए
तो दो नदियां हैं, हिमालय नदी तंत्र की गंगा नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है? सेकंड और आई वी डी ऑप्शन जो है 15 का, सॉरी सॉरी, सेकंड और गोदावरी नहीं है वो, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि बी ऑप्शन। बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंक, नहीं बैंकिंग संस्थाओं के लिए, नहीं देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि आरबीआई नगद नगद कोषा अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? बताइए, यदि आरबीआई नगद कोषा अनुपात को घटा दे, नगद कोषा अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करने होते हैं? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? आर्थिक गतिविधियों, पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या वैश्विक? तो 18 का ऑप्शन करेक्ट होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर केवल निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी में क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों से केवल लाभ अर्जित करना और अर्थव्यवस्था में संसाधन पर निजी अधिकार करना। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्यानों में कार्यरत होता है, पूंजीवादी उद्यानों में कार्यरत होता है। तो पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। ध्यान रखिए, पूंजीवादी प्रणाली में किसका अधिकार होता है? निजी संपत्ति प्रणाली का, जिनका प्रयोग इन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। आइए अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। और 19 क्वेश्चन कह रहा है, 100 रुपए के नोट हस्ताक्षरित होते हैं किसके द्वारा? आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट 500, 200, 2000 पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। केवल जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव का साइन होता है, बस, बाकी सब में आरबीआई के गवर्नर का ही साइन होता है। नेक्स्ट है, फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 20 का बी ऑप्शन करेक्ट। राइट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य में, संघ में, समवर्ती में या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो रेलवे आता है संघ सूची में, जनगणना, जनगणना आती है, जनसंख्या नहीं आती, जनगणना आती है, जनगणना। बैंक आता है, और कौन सी चीजें आती हैं उसमें? आयकर, इनकम टैक्स आता है संघ में, निगम कर आता है संघ में, बंदरगाह आते हैं संघ में, और नागरिकता। ये सारे किससे सब्जेक्ट है? संघ सूची के। वहीं पर राज्य सूची की बात करें तो वन विषय राज्य सूची का है, वन विषय राज्य सूची का नहीं, समवर्ती सूची का है। जेल विषय, पुलिस विषय राज्य सूची के हुए, और सिंचाई राज्य सूची का, गैस राज्य सूची का विषय है, मनोरंजन, कारागार, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में कौन से आते हैं? शिक्षा और वन समवर्ती सूची का, इलेक्ट्रिसिटी भी समवर्ती सूची का है, परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का है, कंकरंट लिस्ट का विषय है, शिक्षा, वन, विद्युत और परिवार नियोजन। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति के निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं? तो 22वां का आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। 40वां जो आर्टिकल है हमारा, उसमें पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। ये स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक और अधिकार प्रदान किया जाएगा। और कौन सा अमेंडमेंट किया गया है? 73 अमेंडमेंट 1992
एक्ट जो है उसके द्वारा अधिनियम आया था। भाई अधिनियम पहले आता है ना, अप्लाई बाद में होता है। 1993 में अप्लाई हुआ है, बट एक्ट आया है वो 1992 का एक्ट है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है 21A 1929-30। तो 21A से ही शिक्षा का अधिकार संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। और ये 86वें संविधान संशोधन जो कब किया गया था, 2002 में किया गया था। कब किया गया था, 2002 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वातंत्र या कुछ अधिकारों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, कह रहा है हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या की गई, पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, और पहली बैठक हुई और तब कौन अध्यक्ष थे इसके, पहले अध्यक्ष जो ऐसे ही बनाए गए थे, परमानेंट नहीं थे, कौन अध्यक्ष थे बताइए इसके तब। और उसके बाद दो दिन बाद 11 दिसंबर को इसके परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और 11 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था। इस प्रस्ताव द्वारा संविधान की उद्देशिका और प्रस्ताविका को परिभाषित किया गया, रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको स्वीकृत किया गया नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताविका एक्सेप्ट कर ली गई थी 22 जनवरी 1947 को, एक्सेप्ट कर ली गई थी उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। किसी भी पदार्थ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। मापी गई रॉकेट की गति, निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापन की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 × 10^15 मीटर के इक्वल होता है। 9.46 × 10^15 के इक्वल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 28 का बी ऑप्शन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और यह एक सफ़ेद बिरवेदार ठोस है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। इससे ब्लीचिंग पाउडर से पीने के जल की शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
इसे विरंजन चूर्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विरंजन चूर्ण भी कहते हैं। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। 18% कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 75% और 24 कैरेट में 100%, 22 कैरेट में कितना होता है? 93% या 94% के लगभग, और 18 कैरेट में 75% सोना होता है, बाकी दूसरा मटेरियल होता है। ठीक है, संतरे में बहुतायत में क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए में कौन सा रासायनिक नाम? रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B3 क्या नाम है? विटामिन B3 नियासीन। विटामिन B3 नियासीन, B1 थायमीन, विटामिन B3 नियासीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल और ई टोकोफेरॉल। ई क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है के, ओहो ये क्या हो गया, अरे हाँ, विटामिन ई टोकोफेरॉल हो गया, और विटामिन के क्या बोलेंगे? नेक्टोक्विनोन। ठीक है, तो ये हमारे जो विटामिन्स हैं ये भी याद रखने हैं। B1 B2 की सीरीज को बिल्कुल माइंड में फिट रखनी है। B1 किसको बोलते हैं? थायमिन को। और B3 किसको बोलते हैं? B3 बोलते हैं नियासीन को। ठीक है, चलिए मैथ्स स्टार्ट हो गई है अब, तो मैथ्स में देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 72 यहाँ बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो 196 किसका होता है? 14 का, 196, और ये यहाँ लिख देंगे 72 अपॉन 65 लिया हुआ। ये गलत लिखा हुआ, 65 नहीं, हाँ तो यहाँ क्या है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, यहाँ 65 की जगह 56 होगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसका वो निकाल लेंगे क्या, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 72 अपॉन 56, इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 9 अपॉन 7, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू, हम जब 9 अपॉन 7 आ जाएगा तो समझ लीजिए ना 14 अपॉन 9 7 9 2 18 हो जाएगा ना, तो 18 का हमारा स्क्वायर क्या होता है? 324। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए 32 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा पॉज करके और फिर टिक कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर है, माइनस और ये प्लस में है, सेम है, तो ये बराबर है, परिमेयकरण करने पर क्या आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस का आएगा। 34 का ऑप्शन कह रहा है टीवी सेट का मूल 30% घटाने पर, हम अगर इसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे ना तो टाइम लग जाएगा, अगर आप चाहो तो सॉल्व करके बता सकते, पर आप कोशिश कीजिएगा इसको बताने करने की, ठीक है ना। आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत दिनों से कर ही रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आंसर ये कैसे आया। अगर आपको चाहिए कि हम इसका सोल्यूशन दें तो आपको तो पता ही है ना इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। हम फिर ये पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टीवी सेट का मूल 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? 30% घटाने पर 20% बढ़ गई, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है ना, माइनस 30 प्लस 20, माइनस 30 × 20 अपॉन 100, ठीक है। तो क्या आ गया, 10 माइनस 6, और ये माइनस का ही आया, तो 10 में 6 16%, 16% की क्या हुई,
16% की कमी हुई, 16% की क्या हो गई, कमी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, 18.5 वर्ष की उम्र है, 18.5% की उम्र चार की है, तो टोटल उम्र कितनी हो गई, 7.4 एक मिनट, 18.5 × 4 निकाल लीजिए आप टोटल वैल्यू। सेवेंटी फोर आ गई टोटल वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। टोटल टोटल मतलब कि एज आ गई आपकी, टोटल एज कितनी थी चार खिलाड़ियों की 74, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो भाई पांच लोग हो गए, कोच की उम्र शामिल करेंगे तो कितने लोग हो गए, पांच लोग हो गए, तो 20% बढ़ जाती है उम्र, क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है उम्र। तो 74 प्लस एक्स बराबर 5x, 18.5 × 120/100। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 74 + x = 111, n = 111 - 74, n की वैल्यू आ जाएगी 37, 37 जो है वो कोच की उम्र है। नेक्स्ट आते हैं एकल का विलोम क्या है, तो एकल का जो विलोम होगा वो बहुल हो जाएगा, जबकि पर्याप्त का विलोम अपर्याप्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त और अकेला का दुकेला हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, दर्प, दर्प का पर्यायवाची बताना है, गर्व, अभिमान, दंभ, घमंड, अहंकार। दर्प का मतलब होता है अहंकार, अहंकार, गर्व, दंभ, घमंड। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मर्मांत, मदमस्त, मनोहर या मदमयी। 38 को ऑप्शन बी, मनोहर, जो मन को हरे उसे मनोहर कहते हैं, और मन जो मन में उन्मत्त हो, जो मन में उन्मत्त हो उसे मदमस्त कहते हैं, जो मन को हरे उसे मनोहर, जो मन से उन्मत्त हो उसे मदमस्त, ठीक है। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। अल्पभाषी कम बोलने वाले को बोलते हैं अल्पभाषी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम डी में, तो ये एक हमारा पैसेज है जिसको हमें पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चंस पे टिक करना है, ठीक है। तो हम इसको कराने की कोशिश करेंगे, लास्ट में आपको 41 से तीन क्वेश्चन है जो हम लास्ट में आपको कराने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट उसमें आते हैं 44 क्वेश्चन में, गिव सिनोनिम्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग्स, ओके। तो 44 में जो सिनोनिम्स किसका बताना है, फेमस का पॉपुलर होगा, ऑफुल जो है वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का एंटोनेम बताना है, तो ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनेम है वो ओपेक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी और ओपेक अपारदर्शी। पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, तो प्रविज्ञान किससे संबंधित होगी, तो 46 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानव से। जिस प्रकार पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन करती है उसी प्रकार नर विज्ञानी, यहाँ ये ना बना हुआ है, प्र लिखा है, नर विज्ञानी मानव को अध्ययन करती है। उस शब्द का चयन कीजिए समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, दही, मक्खन, पनीर और तेल, तेल नहीं जो है खाता है मेल, ठीक है। प्रोडक्शन को ये और लिखा जाता है इसी कूट में, ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आप इसको कूट कीजिए और बताइए क्या इसका सिक्वेंस है, और हम इसका सही आंसर आपको बताते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है 49, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता की ओर, अभी प्रोडक्शन का बताना, बता दूँ क्या अगर ना समझ में आए आपको, प्रोडक्शन
भाई पी के बाद क्यू और आर के बाद क्यू, तो प्लस वन हो रहा है। ऐसे ही सीक्वेंस बना के फिर ऑप्शन निकालेगा, निकल आएगा। निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं, यानी कि निखिल, उनकी माँ, रीता की माँ के पुत्र, रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? मुझे लगता है कि रीता निखिल से बुआ से संबंधित हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने 25 अगस्त को गुरुवार, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? 25 अगस्त को अगर गुरुवार पड़ता है, तो उसी महीने सोमवार की संख्या क्या होगी? भाई 25 अगस्त, 26, 27, 28, 29, 30, 31। उनतीस को सोमवार पड़ेगा, एक सोमवार ये हो गया। भाई क्या कह रहा है, सोमवार सोमवार का एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 से या तो 3 दिन पहले ले लो या 3 दिन बाद में ले लो, जैसा ले लो। 26 25 से, भाई 25 बुधवार हो गया आपका 24, और मंगलवार हो गया आपका 23, और सोमवार हो गया आपका 22। ये 22 ले लिए, 22 ले लिए आपने। ठीक है, अब क्या करना है कि 22 से प्लस सात दिन कर लीजिए इधर, तो 22 से इधर माइनस सात करेंगे ना 22 तारीख से, तो इधर करेंगे ये 15 तारीख आ गई, इधर 8 तारीख, इधर 1 तारीख, तो ये चार तीन हो गए, ये एक ये हो गया 4, और इधर करेंगे +7, तो ये हो गया 29। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सोमवार होंगे, कितने होंगे, 5 सोमवार। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट टू में आपको 50 क्वेश्चन और कंप्लीट होंगे पीटी के, तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको पीटी का प्रैक्टिस सेट। हो पीटी के प्रैक्टिस सेट होंगे, कम से कम 10-15 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होती रहे, और आप देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन अभी भी वीक चल रहा है थ्योरी में। ठीक है, उस पोर्शन को पढ़िए, फिर आप कम बैक ऑन प्रैक्टिस अगेन आफ्टर रीडिंग थ्योरी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडिंग और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।